हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। चाइना से एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी जो धीरे धीरे अब पूरे वर्ल्ड में रफ्तार पकड़ रही है, जो ये है कि नासा क्लेम कर रहा है कि चाइना प्लान कर रहा है कि वो टोटली पूरे मून पर कर ले एक टेक ओवर, जिसके रिटेलिएशन या फिर जवाब में चाइना ने भी US को बहुत भला बुरा कहा है और बोला है कि आपकी जो कोल्ड वॉर की मेंटालिटी है आप उसे ड्रॉप कर दें। मगर चाइना ने कभी भी किसी भी फोरम में ये बात डिनाई की ही नहीं है कि वो एक टेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर चाइना ने कहीं भी डिनाई नहीं किया है तो इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ओपन रहती है कि चाइना कहीं ना कहीं प्लान कर रहा है कि वो पूरे मून पर कब्जा करे। यूजुअली होता क्या है कि जब भी कोई देश बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है या फिर बहुत डेवलप इकोनॉमी बन जाता है तो वो कोशिश करता है कि अपनी कॉलोनीज बनाए अलग अलग जगह में और फिर उन कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट करें। इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया 200 साल के लिए और इंडिया को बहुत बुरी तरह किया एक्सप्लॉइट। तो अब वही सेम मेंटालिटी चाइना करने की कोशिश कर रहा है। इन द पास्ट जैसा कि हम सब ने देखा कि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत से देशों को चाइना ने ऐसे लोन्स दिए हैं कि वो पे नहीं कर पाएंगे, जो इन द एंड होगा क्या कि वो इनडायरेक्टली बन जाएंगे चाइना की कॉलोनीज। और अभी के लिए चाइना और US दोनों के बीच में एक रेस लगी हुई है कि कौन पहले मून में जो खनिज पदार्थ और मिनरल्स है उसे माइन कर पाएगा, क्योंकि एज पर इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी मून किसी का बिलोंग नहीं करता है। मून बिलोंग करता है ह्यूमैनिटी का और जो चाहे जहां भी चाहे मून पर रह सकता है। बट जिस रफ्तार से मून को लेकर पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, देख के लग नहीं रहा है कि ये लॉ ज्यादा दिन तक रहेगा। क्योंकि एक बहुत ही कंसर्निंग बात यह है कि चाइना और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है एक पैक्ट जिसके तहत वो एक मैन मिशन भेजेंगे ऑन द मून 2026 तक, और फिर 2026 से 2035 तक ये मैन मिशन पूरी मेहनत करेगा ताकि मून को एक सस्टेनेबल बेस बना सके जिस पे इंसान रह सके। और ठीक 2035 के बाद से फिर चाइना और रशिया दोनों से इंसान भेजे जाएंगे जो करेंगे कॉलोनाइज मून को। और अगर एक बार इंसानों ने मून को कर दिया कॉलोनाइज, उसके बाद जितने भी खनिज पदार्थ हैं मून के उन्हें माइन करना हो जाएगा शुरू। ये सब देखते हुए और इन सब चीज़ों को जांच पर रखने के बाद ही US का नासा बार बार कह रहा है कि चाइना प्लान कर रहा है मून का एक कंप्लीट टेकओवर करने के लिए। अब इस पूरे सिनेरियो में एक दूसरा एंगल ये भी है जहाँ पे कुछ हद तक चाइना भी सही है। चाइना और रशिया ने मिलकर बहुत बार यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव रखा है कि अमेरिका उन्हें लिखित में दे दे कि अमेरिका कभी भी मून पर कोई वेपन्स नहीं डिप्लॉय करेगा, ना ही कोई वेपन्स लेकर जाएगा। बट जो दो बार चाइना और रशिया ने इसकी कोशिश की है, हर बार अमेरिका ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी अपने फॉल्ट पे है और चाइना भी अपने फॉल्ट पे है। अब बस देखना यह है कि जो अमेरिकन प्लान है टू कॉलोनाइज मून, क्या वो लोग जल्दी करेंगे या फिर चाइना जल्दी करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।